आज है बसंत पंचमी, तो हैप्पी बसंत पंचमी आप सबको। और हम बनाएंगे बसंत पंचमी पे भोग के लिए पीला, जो मीठे चावल होते हैं पीले वाले, जिसको कई लोग जर्दा पुलाव भी बोलते हैं, तो हम बनाएंगे केसरिया चावल। तो उसके लिए चावल ले लेती हूँ, एक कप से नाप लेते हैं। और ये बासमती चावल है मेरे पास, और यहाँ मैं ये 1 से 1.5 कप चावलों को भिगो देती हूँ। ये हमने 1.5 कप चावल ले लिए, इनको अच्छे से धोएंगे। और इनको हम आधा घंटे के लिए भिगो के छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो अभी हम अपने जो केसरिया चावल हैं आज वो बना लेते हैं बसंत पंचमी स्पेशल। तो ये मैंने केसरिया चावल के लिए सामान ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा वो सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको ले लिया मैंने कट करके, और बादाम ले लिए 10 से 1 कट करके, और किशमिश ले ली, और मैंने ले लिया ये काजू को कट करके, और 3-4 इलायचियों को हल्का सा उसको ना दबा दिया बस, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाया, और छिलके समेत ले लिया है। और इधर ये देखिए, ये मैंने केसर के धागे थोड़े से गुनगुने दूध में डाल के रख दिए हैं, इससे केसर अपना अच्छा कलर छोड़ देगी। और ये यहाँ पर येलो कलर जो हमें इसमें चाहिए, और ये एसेंस है, इसमें केवड़ा एसेंस है और गुलाब एसेंस है, आपके पास जो भी हो वो ले सकते हो, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ मैंने गैस पर रख लिया कुकर, और चाहिएगा हमें देसी घी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। गैस ऑन कर दी मैंने कुकर रख के, और कुकर हमारा गर्म हो रहा है। और ये चाहिए हमें 1 चम्मच जब तक घी, इस घी को कुकर में डाल देते हैं और मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है हमारा, ये देखिए। अब इसमें सबसे पहले जो हमने ये इलायची रखी है ना, इसको डाल देते हैं, हल्का सा इसको क्रश करके रखा है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो नारियल कट करके रखा है हमने, और ये बादाम, काजू, और इसको हल्का सा भून लेते हैं एकदम लो फ्लेम पे, इसको हल्का सा पिंक कलर कर लेते हैं नारियल, और जो भी हमारा इसमें सामान है। अभी देखिए नारियल और इसको हमने भून लिया। अब इसमें जो किशमिश है ये भी डाल देते हैं, इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ये जो हमने चावल आधा घंटे पहले भिगो के रखे थे बासमती चावल, इनको भी डाल देते हैं। चावल हमारे भीग चुके हैं, ये चावल डाल के मैंने 1 मिनट भून लिया है इनको घी के साथ ही, हल्का सा भून लेंगे। और अगर आप इसमें से कोई चीज़, कोई ड्राई फ्रूट बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी चावल हमने हल्का सा भून लिया। अब हमने इसी कप से लिया था 1.5 कप चावल, और मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, और नॉर्मल मीठा चाहिए तो 1 कप चीनी में हमारे अच्छे से मीठे हो जाएंगे। अब इसी कप से मैं यहाँ पर ले लूँगी इसमें 1.5 कप पानी, 1 कप 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पे ये जो मैंने दूध में केसर के धागे भिगो के रखे हैं, ये देखिए थोड़े से गुनगुने दूध में डाल दिए थे मैंने, इसको भी डाल देती हूँ। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं, इसमें अब उबाल आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो फ्रूट कलर आते हैं वो ऐड करेंगे, ये वाला येल्लो वाला, येल्लो ऑरेंज जो आता है, तो ये हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे। देखिए जो हमें केसरिया कलर चाहिए वो इसके बिना नहीं आएगा, ये फ्रूट कलर हमें इसमें डालना ही होगा। अब इसको मिक्स करेंगे।
अब मेरे पास है यहाँ पे ये केवड़ा एसेंस, तो मैं इसके 2 ड्रॉप डाल दूँगी इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर ऐड होगा। 1-2 ड्रॉप डालूँगी मैं रोज एसेंस के। और अब इन सबको डालने के बाद इसको मिक्स कर दूँगी। अब उबाल आ रही है इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, ढक्कन बंद करके और 1 सीटी लगा लेंगे। और किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, महक रहा है एकदम पूरा किचन ना, और इतना फ्लेवरफुल और इतने टेस्टी लगेंगे ये चावल खाने में जो हम ये केसरिया चावल बनाएंगे। और इसी से आज हम भोग लगाएंगे भगवान जी का, फिर सबको देंगे। तो इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं गाइस। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल कैसे बने। वाओ, देखिए दिखाती हूँ आपको पास से। एक एक चावल खिल गया है और एकदम बढ़िया परफेक्ट केसरिया कलर आया है। थोड़ा सा इसको चला के देखती हूँ। हम इनको पहले ऐसे साइड से चलाएंगे, एकदम बहुत तेज नहीं चलाएंगे जिससे कि चावल टूट जाए। मज़ेदार चावल बनके हुए हैं तैयार, और एक एक चावल खिल गया है। ये देखिए गाइस, मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसको हमने आज बसंत पंचमी स्पेशल है तो येलो प्लेट में ही सर्व किया है। ये देखिए हमारे टेस्टी से केसरिया चावल बनके हो गए तैयार। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल ने पीले कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, और पीले चावलों का भोग भी लग गया उनको। मैं आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये सुबह हमारी पूजा वूजा सब हो चुकी है। ये देखिए मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं, क्यूट से। तो हम कर रहे थे अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग, और बस नहा ली मैंने, पूजा वूजा सब कर ली, फ्री हो गई। आज लड्डू गोपाल को भी येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं और मैंने भी येलो कलर पहने, और येलो ही हमने ना वो बनाया है, येलो कलर के चावल, केसरिया चावल। और बस सब अपना किचन में खाना वाना बना लेते हैं, सुबह का सारा काम फ्री हो गया, झाड़ू पोछे का अब खाने का काम है। तो बस खाना बनाएंगे, लंच की तैयारी करते हैं, मंगवाने वाला है और खाना वाना खाएंगे। फिर सोच रही हूँ मैं कि मंदिर वंदिर कहीं जाया हूँ, गई तो आप लोगों को भी लेके चलूंगी। ठीक है, जब तक खाना बना लेते हैं। और ये इधर मैंने खाना लगा लिया। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को छुट्टी रहती है, तो आज वो घर पर ही है। तो पहले उनकी थाली लगा दी, ये रख लिया मक्खन और दाल और आलू गोभी की सूखी सब्जी, और जो चावल बनाए थे मीठे में वो लेंगे तो वो भी दे देती हूँ। और ये रखे हैं हमारे चावल, देखिए। बस दे देते हैं खाना। अब ये आराम से बैठे हैं यहाँ पे, ये लो खाना खाओ गरम गरम मक्खन के साथ। चावल लोगे? नहीं अभी नहीं, ठीक है बाद में ले लेंगे। और ये अपना यहाँ खाना खा रहे हैं, और मैं बस गरम गरम चपाती सेक लूँगी जब तक मन्नू भी आ जाएगा। साथ साथ में अपना काम कर रहे हैं, और लूसी को देखते हैं लूसी कहाँ है। बहुत देर से इसकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कर रहा है? अरे भाई ये तो सो रहा है यहाँ पर, ये देखिए मज़े से सो रहा है आराम से। तो इसको सोने देते हैं, मैं अपनी रोटियां सेक लेती हूँ और फिर अपना खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हूँ आपसे। मैं भी अपना खाना लेके आ गई, खाना खा लेती हूँ, मनु आ जाएगा इतनी देर में, फिर उसकी रोटियां सेक लूँगी। गरम गरम ही अच्छी लगती है रोटी बना के खा रही। सब्जी कैसी बनी है? अच्छी है, बनी हुई सब्जी तो खराब होती है।
रोज रोज आदत खराब है, बस तारीफ करवानी है ना। बस यहाँ हम लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी 4:30 बजे का टाइम है और हम लोग मंदिर के लिए फिर निकल गए कि आज मेरे को मंदिर जाना था बड़के बालाजी दर्शन करने के लिए और राधा कृष्णा मंदिर भी जाना था, तो बस अब हम मंदिर चलते हैं। चलें नीचे चलिए, नीचे चलते हैं मंदिर जाके आते हैं। तो हम मंदिर आ गए बड़के बालाजी के और बस बालाजी के दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी आने की लेकिन आना हो ही नहीं पा रहा था, बालाजी बुलाना ही नहीं चाह रहे थे और आज मौका लगा तो मैं आ गई बस। और यहाँ गणेश जी का मंदिर भी है साइड में, तो गणेश जी के भी दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा यहाँ बालाजी के मंदिर आके। और काफ़ी बड़ा मंदिर था, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी यहाँ। और आप लोग भी दर्शन कर लो बालाजी के, और बालाजी के मंदिर के यहाँ दर्शन करके आ गए हम ये राधा कृष्ण मंदिर दर्शन करने के लिए। और आज सब जितने भी हमारे भगवान जी थे, ठाकुर जी ने, राधा रानी ने, सब ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी थी राम दरबार में सब ने। बस यहाँ सब भगवानों के दर्शन करूँगी और मंदिर में दर्शन करने के बाद मन को ना एक अजीब सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी सरस्वती जी भी देखो मंदिर में विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे। और सबके दर्शन करके फिर घर चलेंगे वापस। माता रानी भी हमारी देखो, सबको देख के तो अच्छा लगता है ना कि बस ऐसे लग रही थी कि बैठ जाओ थोड़ी देर यहीं। और ये मंदिर की जहाँ से एंट्रेंस थी वहाँ फूल लगे होते, इतने सुंदर सुंदर कलरफुल फूल थे, इनको देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। फूलों को देख के एक अजीब सी खुशी मिलती है ना, मन को बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी यहीं वीडियो का एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।